लोगों ने अपने एग्जाम की तैयारी के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए मैं ढेर सारा मटेरियल दे रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं, अच्छे देख रहे हैं। बस एक शिकायत आपसे है, देख तो लेते हैं लेकिन लाइक पर आपकी अंगुली नहीं जाती है। प्लीज देख करके लाइक या डिसलाइक, व्हाट यू थिंक, जैसा आपको लगे वो कर दो। चलो खैर कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। अब तक आप लोगों को मैंने एग्जाम के दृष्टिकोण से ढेर सारे अपील राइटिंग का मैंने कुछ मटेरियल दिया था, टी प्लांटेशन का, आई डोनेशन का है, ब्लड डोनेशन का है और ढेर सारे थे। लेकिन एक प्रश्न उसमें ऐसा बनकर आया वो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, वो मैं बताना चाहता हूं। एक स्टूडेंट है पूजा गुप्ता, वेल्डन पूजा गुप्ता, इसने एक क्वेश्चन पूछा, सर क्या सब में एड्रेस लिखना होगा? तो आज इस शंका को समाधान करने के लिए आज का ये वीडियो है। आपको मैं बता रहा हूं कहां आपको एड्रेस यूज करना है और कहां नहीं यूज करना है और उसका एग्जाम्पल दूंगा। हाँ, अपील में अगर कोई कैंप है जहां पर आपको बुलाया गया है, इकट्ठा किया गया है, जैसे आई डोनेशन का है, बराबर है, ब्लड डोनेशन का है, इन सारी चीजों का एक जगह होती है, एक प्लेस होता है, आप वहां वेन्यू दिखाएंगे, डेट दिखाएंगे, प्लेस दिखाएंगे, टाइम दिखाएंगे। लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जहां पर कि हम प्लेस नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए कोरोना ले लीजिए, अगर आपको कोरोना से संबंधित लोगों को मैसेज देने हो कि क्या करें क्या न करें, कैसे रहें कैसे बचें और लोगों को कैसे बचाएं, तो यहां पर न डेट का जिक्र होगा, न दिन दिखाया जाएगा, न टाइम दिखाया जाएगा और न प्लेस होगा। सीधे सीधे आप अपने एक आकर्षक ढंग से, अट्रैक्टिव तरीके से मैसेजेस लोगों को दे देंगे, लोग उसे देख करके समझ लेंगे। अब अगर कोरोना का वैक्सीनेशन है, ठीक है ना, कोरोना का जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसके लिए दिखाना हो तो आपको डे, डेट, टाइम और प्लेस इन सबको दिखाना पड़ेगा। बात समझ गए ना, मैसेज अगर आपको देना है तो हम कोई प्लेस तो है नहीं, कोई डेट तो है नहीं, आप संदेश दे रहे लोगों को कि कोरोना से कैसे बचे। अब इसमें प्लेस का क्या काम है, डेट का क्या काम है, टाइम का क्या काम है, यहां पर नहीं देंगे, केवल मैसेज देंगे एक अट्रैक्टिव स्लोगन के साथ में, ठीक है। लेकिन अगर कैंप हो, बुलाया गया हो, तो वहां पर क्या करेंगे आप, वहां पर आप लोग डेट, प्लेस, टाइम देंगे। अभी आज मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का नहीं, कोरोना वायरस का मैसेज आप देंगे लोग कैसे बचे, और एक है चाइल्ड लेबर पर बैन लगाने के लिए, एक मैं आपको दे रहा हूं मैसेज, एक अपील कर रहा हूं, अपील लिखकर दे रहा हूं। देखिए आगे आपके सामने, ऐसी अपील जिसमें डे, डेट, टाइम और प्लेस नहीं देना होता है। तो आपके सामने मैं दो अपील दूंगा, एक ये और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा, जिसमें का एड्रेस नहीं लिखना है वो कौन कौन सा है। पहले हम लिखेंगे कोरोना पर मैसेज देने के लिए अपील हम कैसे लिखें। तो पहले अपील में आप बताया गया है कैसे बॉक्स बनाना है, क्या करना है, उसी का आधार पर लिखना है। अब आप ध्यान देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर के कॉलम में, बॉक्स में आप क्या लिखते हैं, बी अलर्ट, बी कॉशियस एंड बी अवेयर, तीन चीजें लिख दिए मैंने, अलर्ट होइए, अवेयर होइए, कॉशियस होइए। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे एक हेडिंग देंगे, हेडिंग को दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कोरोना इज एट योर डोर स्टेप्स, कोरोना आपके दरवाजे पर आ चुका है, ठीक है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे बताते हैं, अब आगे देखिए, आगे आपका है ये रिमेंबर, अब यहां पर मैसेज देंगे रिमेंबर, एक एक पॉइंट है, देखिए क्या है, कोरोना इज नॉट एन एयरबॉर्न डिजीज, ध्यान रखो कोरोना कोई हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो फिर कैसी बीमारी है, आपने देखा है कोरोना इज नॉट एन एयरबॉर्न डिजीज, हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। दूसरा क्या है, वी आर द ओनली मीडियम ऑफ कोरोना,
कोरोना को फैलाने वाली मीडियम कौन है? हम लोग हैं। आप लोगों को जागरूक करें, ध्यान देना। तीसरा है, तो हमें करना क्या चाहिए? कीप डिस्टेंस ऑफ 2 yard ऑलवेज, हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको लिख दिया ऐसे लिखें। मैंने तरीका मैंने बताया है, मेथड बताया है, ये आंसर नहीं बताया है। आंसर तो आप अपना खुद भी चेंज कर सकते हैं। खैर, आगे देखिए, यूज मास्क इन क्राउड, अभी कहीं क्राउड में रहें तो मास्क हमेशा यूज करें। पांचवा है और आखिरी है, वॉश योर हैंड्स, हैंड्स में एन नहीं था, मैंने बाद में डाल दिया, ध्यान देना, वॉश योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 seconds ईच टाइम, हर बार अपने हाथ को क्या करेंगे, 20 सेकंड लिए धोएंगे, कई बार धोएंगे। नीचे मैंने यहां पर स्लोगन दिया है, ये स्लोगन भी आपका नहीं है, आप चेंज कीजिए। आप दुनिया भर का स्लोगन टीवी में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे, सुनते होंगे, ठीक है ना। अभी मोदी जी का एक है स्लोगन, क्या है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी, इसको डाल सकते हैं। मैंने हिंदी में स्लोगन डाला है, अगर आप चाहें इंग्लिश में डाल सकते हैं, या अपने राइटअप में अगर आप इंडियन सोसाइटी के लिए कर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज का 1 या 2 वर्ड अपने किसी भी राइटिंग में डाल सकते हैं। अभी क्या लिखा है, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। अब यहां कोरोना का मैंने फिगर बनाने का प्रयास किया है, और आप और अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से कर लेंगे। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, इस साथ में आपने फिनिश कर दिया है। और आपका ये कोरोना पर मैसेज का अपील कंप्लीट हुआ। ये अपील आप कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर 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 बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।